ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक करंट 3 एम्पियर फ्लो थ्रू ए 2 ओम रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है ये वाला, इससे 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। ऑलरेडी मेंशन है 3 एम्पियर करंट, बराबर है बच्चों 2 में। द पावर डिसिपेटेड इन 5 ओम रेजिस्टर, जो 5 ओम ये वाला है इसमें हमें पावर निकालना है। तो अगर मैं इसमें पावर निकालना चाहूँ तो पावर की वैल्यू क्या होती है, आई भी होती है, ये होती है पावर, या पावर आई इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर होता है। तो आर की तो वैल्यू हमें पता है, तो वी स्क्वायर ओवर रेजिस्टेंस 5, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस पता कर लूँ और इसमें ला के रख दूंगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये लॉजिक है। तो इस क्वेश्चन को करने का, इस वाले में हमें पावर की वैल्यू निकालनी है। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज तभी निकाल पाऊंगा इस पॉइंट के अक्रॉस जब इसमें करंट पता होगा। तो सबसे पहले हमें पता है करंट, इसमें इस वाले में करंट पता है, तो मान लो इसमें करंट I1 है और इसमें करंट I2 है और इसमें करंट I3 है। क्लियर है बच्चों? तो अगर मुझे अपर सर्किट, यहाँ अपर वाले सर्किट की बात करोगे, अपर वाले सर्किट की बात करोगे, तो वहाँ इस वाले सर्किट में करंट डिवाइडर रूल लगा दो तो I2 की वैल्यू आ जाएगी, करंट डिवाइडर रूल I2 की वैल्यू। या नहीं तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, करंट डिवाइडर नहीं लगाना चाहते हो तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो 22 मल्टीप्लाइड बाई I1 मस्ट बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई I2, ऐसा होगा। और 2 मल्टीप्लाइड बाई I1 की वैल्यू 3 एम्पियर है और 4 मल्टीप्लाइड बाई I2, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, मतलब I2 इज इक्वल टू 3/2 एम्पियर। तो यहाँ से मुझे I2 आ गया 3/2 एम्पियर। अब यहाँ से I2 और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि I2 और मल्टीप्लाइड बाई 4 मस्ट बी इक्वल टू I3, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है I3, और इनका नेट रेजिस्टेंस इनका है 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो I3 की I2 हम पहले ही निकाल चुके हैं 3/2 और मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू I3 और मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा और जो I3 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 एम्पियर। तो I3 आ जाएगी 1 एम्पियर। तो I3 अगर 1 एम्पियर आ गई, मतलब इस वाले में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो जो 5 ओम रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज, दिस इज द 5 ओम रेजिस्टेंस, और इसमें करंट फ्लो हो रही है 1 एम्पियर I3, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज भी आ जाएगा वो आ जाएगा IR 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 5, दैट इज 5 वोल्ट। सो इसमें पावर डिसिपेटेड आ जाएगा, इसमें जो पावर की वैल्यू आ जाएगी पावर, दैट इज वी स्क्वायर ओवर आर, जो कि लॉजिक हम पहले निकाल, दैट इज 25/5, दैट इज 5 वाट। 5 वाट इज द फाइनल सोल्यूशन, दैट इज द 5 वाट, दिस इज द पावर डिसिपेटेड।